तो अगर बात करें हगिंग स्पेसेस की, तो बहुत सारे हगिंग स्पेसेस हैं जो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, और अगर आप उनको यूज वगैरह करना चाहते हो तो एक प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे क्यू टाइम है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई टाइम ये चीज़ एरर भी शो करती है। लाइक यहाँ पे मैं एक हगिंग स्पेस आपको शो करता हूँ, इल्यूजन डिफ्यूजन HQ है। इसको अगर आप यूज करना चाहोगे तो यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा दिखाएगा, या आपको रन टाइम एरर शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वार्निंग में लिख के आ गया, देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑफ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कैसे आप हगिंग स्पेस कोई भी हो उसको सिर्फ 2 मिनट में लोकली या फ्री GPU पे रन कर सकते हो गूगल कोलैब के थ्रू। उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है गूगल कोलैब, और जैसे ही आप ये टाइप करोगे आपको सेकंड जो वेबसाइट की लिंक है कोलैब.गूगल इस पे चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कोलैब पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऊपर इसको अभी कैंसिल कर देना, ये पहले से जो अगर आप कोई भी कोलैब नोटबुक ओपन कर रखोगे उसके पॉपअप दिखाएगा, तो इसे आपको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे फाइल में जाके आपको न्यू नोटबुक का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे सबसे पहली जो सेटिंग है वो क्या करनी है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेता है लोड होने में, यहाँ पे हमारा लोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे रन टाइम आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेंज रन टाइम टाइप आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे CPU सेलेक्ट हो रखा होगा तो यहाँ पे आपको GPU सेलेक्ट करना है, ऊपर कंफर्म कर लेना कि Python 3 आपका सेलेक्ट है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको मुश्किल से 3 या 4 लाइन का कोड लिखना है, कोई भी आप स्पेस जो है अपने गूगल कोलैब में रन कर पाओगे। तो उसके लिए मैंने पहले से ही कोड लिख रखा है ताकि आपका टाइम बच जाए। ये जो गूगल कोलैब की लिंक है इसको मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा, फिर आपको इसमें बहुत ज़्यादा चेंज या खुद से कोई कोड नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कोई भी स्पेसेस की लिंक कॉपी करनी है और आपका ये कोई भी स्पेस है आप लोकली या GPU पर रन कर पाओगे। तो अगर बात करें यहाँ पे फाइल्स की, तो जैसे हम फाइल सेक्शन में जाएंगे आपको यहाँ पे सिर्फ सैम्पल डेटा दिखाएगा, मेरे में इल्यूजन डिफ्यूजन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक बार मैं ये प्रोजेक्ट रन कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कमांड रन करनी है, तो जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे तो आपको अगर GPU से कनेक्ट हो गया होगा सक्सेसफुली तो यहाँ पे आपको GPU का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे गिट क्लोन करना है और यहाँ पे ये लिंक डालनी है जिस स्पेसेस की आप यूज करना चाहते हो। तो ये लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी वो दिखा देता, तो यहाँ पे ऊपर फाइल्स में जाना है और फाइल्स में जैसे ही आओगे इसकी गिट रिपो खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो URL है ऊपर आप इसको कॉपी कर सकते हो, यहाँ तक मतलब इस मॉडल के नेम तक, तो ट्री से पहले का जो URL है आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको गिट क्लोन के बाद मैं आपको ये नोटबुक दे दूंगा, वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। और जैसे ही आप इसको क्लोन करोगे तो आपके में सारे फोल्डर बन जाएंगे, मेरे में पहले से हैं तो आपके में ये सारी चीज़ें बाद में बन जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कमांड चलानी है %CD इल्यूजन डिफ्यूजन, यहाँ पे इल्यूजन डिफ्यूजन की जगह आपको अपने स्पेस का नेम लिखना है जो यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा इस डायरेक्टरी में, और यहाँ पे आपको इस टाइप से दिख जाएगा कि आपका करंट पाथ क्या है। उसके बाद 2 कमांड आपको ये चलानी है, ये सबसे मेन कमांड है। सबसे पहले आपको ls दिखाएगा कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, वहाँ पे कौन कौन से फोल्डर या फाइल हैं, और यहाँ पे pip install requirement, यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट होगी इस स्पेस को चलाने के लिए वो सारी आपकी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मैं पहले से ही रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मेरे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन अगर आपने पहले नहीं करी है तो पहली बारी चलने में ये काफ़ी टाइम ले सकता है, लगभग 5 से 10 मिनट, तो आप वो चीज़ एक बार ही देख लेना। तो आपको pip install gradio करना है, और अगर मान लो gradio के वजह से आपकी कोई एरर वगैरह आती है नोटबुक में तो आपको इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। अब लास्ट कमांड रन करने से पहले आपको सबसे मेन एक काम करना है, उसके बिना आपकी लिंक जो पब्लिक वाली है वो जनरेट नहीं होगी और आपका स्पेस जो है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को रन करने से पहले आपको यहाँ पे app.py जो है इल्यूजन डिफ्यूजन की वो यहाँ पे ओपन करनी है, और आपको यहाँ पे नीचे आना है स्क्रॉल करके, तो आपको डॉट लॉन्च या लॉन्च करके आपको एक फंक्शन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना है जो है शेयर इज इक्वल टू ट्रू, और ये करने के बाद आपको अपनी जो फाइल है उसको सेव कर लेना है। आपको ये जो कमांड है वो रन करनी है। अब ये कमांड जो है हमारी पाइथन फाइल को रन करेगी और हमको यहाँ पे 2 लिंक मिल जाएंगी, एक जो लिंक होगी लोकल के लिए होगी और एक जो होगी पब्लिक के लिए होगी। अभी हमने सिर्फ GPU सेटअप कर रखा है तो ये लिंक जो है GPU के थ्रू चलेगी, तो यहाँ पे पहली पब्लिक वाली जो लिंक है वो आप एक्सेस कर पाओगे।
तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा, 1 मिनट का लगभग। तो यहाँ पे हमारा 100% जो है रन स्क्रिप्ट रन हो गई है। तो यहाँ पे 100% जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हमें यहाँ पे दो लिंक मिल जाएंगी, एक जो होगी लोकल लिंक होगी और एक जो होगी पब्लिक लिंक होगी। तो हमको यहाँ पे दोनों लिंक मिल गई हैं। मैं यहाँ पे पब्लिक लिंक ओपन करता हूँ और आपका सेम स्पेस जो आप क्लोन किए थे वो यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्पेस जो है हमारा लोड हो रहा है, और यहाँ पे ये लोड हो गया। आप यहाँ पे आपको किसी भी क्यूब वगैरह का वेट नहीं करना है और आप इसी स्पेस को यूज कर सकते हो। और इसी टाइप की AI टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।